हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टक्स का सही तरीका बताऊंगी। टक्स कैसे लगाया जाता है, कितना बड़ा लिया जाता है, कैसे कितनी चेस्ट में कितना टक्स लिया जाता है, तो आज मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसको वैसे टक से लगा लिया है ब्लाउज पर, तो मैंने इसको असल वगैरह भी सेट कर लिया है ताकि ज़्यादा देर ना लगे आपको बताने में। तो देखिए, हमारी जो चेस्ट है, मैंने आपको इसके बारे में कटिंग वगैरह बता दी है इसकी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। देखिए, जो हमारी चेस्ट होती है, जैसे कि इसकी हमारी चेस्ट 45 इंच है, और इसका जो कमर है, हमेशा कमर और चेस्ट के हिसाब से हमें टक्स को लगाया जाता है। तो अगर हमारी कमर में और चेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं हो, करीब 4-5 इंच का केवल अंतर हो, तो हमें केवल, देखिए ये वाला जो टक्स होता है हमारा, ये जो आगे आता है फ्रंट साइड में, जो गला आता है उस साइड में जो ये वाला टक्स आता है, इसे हम केवल 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर हमारा 4 से 5-6 इंच तक, मतलब नॉर्मली होता है ये अंतर, कमर और चेस्ट में अंतर है तो केवल। और देखिए, ये वाला जो बड़ा वाला टक्स होता है, इसे हम 1 से 1.5 इंच तक ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसको भी हम 1 इंच का लेंगे अगर हमारा 4-5-6 तक अंतर है तो, और इसको भी हमें 1/2 इंच का लेना है टक्स को। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और देखिए, अगर हमारा टक्स, अगर हमारी कमर में और चेस्ट में 8 से 10 इंच का अंतर होता है, जैसे कि इसकी जो चेस्ट है वो 45 इंच है और इसकी कमर है 47 इंच है, तो करीब 8 इंच का अंतर आ गया पूरा पूरा। तो देखिए, मैंने इसका टक्स कैसे लगाया हुआ है, अभी मैंने देखिए ऐसे लाइन नहीं की हैंड ड्रॉ, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो हमें इस टक्स को लेना 2 इंच का, ये जो बड़ा वाला टक्स आता है, ये सबसे बड़ा ये वाला टक्स आता है, चाहे किसी भी साइज का ब्लाउज हो हमारा, तो सबसे बड़ा वाला टक्स ये वाला होता है, तो हमें ये वाला टक्स को 2 इंच का लेना है। तो मैंने जो जहाँ पर हमारे टक्स के कट हैं वहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है पहले ही जब कटिंग की हुई थी। तो देखिए, इस कट से हमें 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, तो ये 2 इंच का हमारा टोटल टक्स हो जाएगा। अब हम ऐसे पकड़ के लगाएंगे तो ये 2 इंच का हमारा टक्स हो जाएगा ऐसे करके। अब देखिए, अब ये वाला जो टक्स होता है, इसे हमें 1.5 इंच तक लेना है, क्योंकि हमारा 8 से 10 इंच तक फर्क है चेस्ट में, तो आपको ये भी देख लेना है। तो ये वाला टक्स हमें 1.5 इंच तक लेना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर इंच टेप को रखना है, जो हमारा कट मैंने लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये कट लग रहा है हमारा जो टक्स का है, तो मैंने ये पहले ही लगाया हुआ है ताकि देर ना लगे बताने में आप लोगों को। तो देखिए, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 1.5 इंच का टक्स। चलिए, अब इस पर चलते हैं जो हमारा आर्म होल की साइड में आता है। अब इस टक्स को हमें 1/2 इंच का लेना है, वैसे हमें नॉर्मली साइज में 1/2 इंच का लेना है, इसमें हमें 1/2 से 1 इंच तक हम ले सकते हैं, तो हम 1 इंच का टक्स ले लेते हैं इसको। तो देखिए, ये हमें टक्स यहाँ तक, ये देखिए जो हमारा कट लग रहा है, उस कट पर हमें 1/2 इंच रखना है, और 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, तो ये हमारा टोटल 1 इंच का हमारा हो जाएगा टक्स। तो 1.5 इंच का ये हो गया, 2 इंच का ये हो गया, 1 इंच का ये हो गया, और करीब 1/2 इंच का सबसे छोटा टक्स ये वाला होता है हमारा, जो हमारा फ्रंट साइड में आता है, आगे की साइड बिल्कुल। तो ये वाला हम टक्स लेंगे 1/2 इंच का, तो उसी हिसाब से हम निशान लगा लेते हैं इसका। क्योंकि जो हमारा कट आ रहा है, यहाँ पर हमारा कट है, तो उसी हिसाब से हमें रख लेना है इधर और इधर, मतलब 1/2 इंच हमें टोटल दोनों साइड में निशान लगा देना है, 1/2 इंच का ये टक्स रखना है। तो ये हमारे चारों टक्स हुए। अब मैं देखिए इनको लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ। तो देखिए, हमें कैसे मिलाना है इस टक्स को। तो ये वाला जो निशान है, इसको हमें ऐसे मिलाना है और इसको हमें ऐसे मिलाना है। तो ये हमारा एक टक्स हो गया, और इसको देखिए कैसे मिलाना है, इसको हमें ऐसे मिलाना है, इसको हमें ऐसे मिलाना है, क्योंकि हर साइज में हम हर वीडियो में, मतलब पूरी वो नहीं बता पाते हैं, हम डिटेल में नहीं बता पाते हैं, तो अलग से हम वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि अगर एक एक चीज़ डिटेल में बताने लग गए तो 2-4 घंटे तो हमारी वीडियो के हो ही जाएंगे, इसीलिए हर वीडियो में हर चीज़ नहीं बताई जाती है, एक एक चीज़ नहीं बताई जाती है, तो शॉर्ट में बताई जाती है हर चीज़।
तो इसीलिए ये मैंने सोचा अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूं, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। तो एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है, और जी इसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़िटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। अगर ये आपके टक्स अच्छे लग गए ना, तो आपकी फ़िटिंग इतनी ज़बरदस्त बैठेगी कि आप भी सोच नहीं सकते हो। आप अगर इस तरीके से एक बार टक्स लगा कर देखना, इस तरीके से अगर आप टक्स लगाओगे तो आपकी फ़िटिंग, वाह क्या बात है, ये हो जाएगा फिर। तो अब मैं आपको लगा कर बताती हूँ टक्सों को। तो मैं देखिए इससे पहले इस पार्ट पर भी ऐसे ही छाप लेती हूँ इसको, वैसे मैंने ये निशान लगाए हुए हैं, तो इसको बराबर रखते हुए ताकि ये दोनों साइड में हमारे टक्स आ जाएंगे जो हमने जितने बड़े बड़े लिए हुए हैं। तो आपको दोनों साइडों में एक बराबर टक्स लगाने हैं, छोटे बड़े नहीं लगाने हैं। तो देखिए ये हमारे टक्स दोनों साइड में छप गए हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल सही छपे हुए हैं। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, देख सकते हो। तो अब देखिए मैं आपको टक्स लगाना बताती हूँ कि हमें कैसे लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें मिडिल वाला टक्स लगाना चाहिए, जो हमारा बड़ा वाला टक्स आता, तो हमें ऐसे करके बीच में से फोल्ड करके ऐसे करके पकड़ना है इसको। इसको हमें यहाँ से बिल्कुल देखिए जो निशान आ रहा है हमें वहाँ पर रखना है मशीन को, और ऐसे करके हमें हमारा जो टक्स है, तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड डबल सिलाई लगा देती हूँ। देखिए जो हमारी नोक थी वहाँ से मैंने बिल्कुल निकाल लिया, तो आपको बिल्कुल ऐसे करके सिलाई लगा देनी है तिरछी। तो इसी तरीके से मैं इस पर भी लगा लेती हूँ। तो देखिए आपको ऐसे बीच में से जो कट आ रहा है हमारा, यहाँ से आपको पकड़ना है, और इसको भी बीच में जो निशान लग रहा है यहाँ से पकड़ना है दोनों को। तो हमें कट से पता चल जाता है ये कट हमारा कहाँ है और ऊपर का कट कहाँ है, तो आपको ऐसे करके पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसी तरीके से आप निशान लगा सकते हो। अब देखिए मैंने उसमें भी टक्स लगा लिया है वो वाला। अब देखिए हमें, अब हम कोई सा भी टक्स लगा सकते हैं। अब देखिए हम बड़ा वाला टक्स लगाते हैं, जो ये होता है बड़ा टक्स, तो इसको भी हमें बीच में से पकड़ना है ऐसे करके। अब देखिए ऑटोमेटिक अपने आप ये इधर लाइन आ जाएगी एक तरफ से, और इस लाइन के ही ऊपर हमें मशीन को चलाते जाना है। तो आपको ध्यान रखना है नीचे का जो कपड़ा है वो हटना नहीं चाहिए, कभी कभी कपड़ा हट जाता है क्योंकि। तो देखिए ये वाला भी हमारा टक्स लग चुका है, आप देख सकते हो कितनी सफाई के साथ। मैं आपको इसका पफ रेडी करके दिखाऊंगी अभी। अब देखिए अब हम जो फ्रंट वाला पर आता है जो, इसको भी मैं ऐसे ही लगा के दिखाती हूँ आपको। आप इसका उभार देखना कितना लाजवाब आएगा, आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना इस तरीके से टक्स लगाकर, अगर आप नहीं लगाते हो तो इस तरीके से। तो देखिए ऐसे ही हम इसको भी बिल्कुल बीच में सेंटर में से पकड़ लेंगे ऐसे करके। तो देखिए ये वाला भी हमारा टक्स लग चुका है। तो अब मैं इसका देखिए उभार दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, कट बिल्कुल नहीं लगाया है वीडियो में। देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छा उभार आया है, आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि 8 से 10 इंच का गैप है इसमें चेस्ट में और उसमें, तो उभार भी हमारा उसी हिसाब से आना चाहिए एकदम। तो देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया उभार आया एकदम बिना पफ के, बिना किसी चीज़ के, तो देख सकते हो आप। तो इसी तरीके से आप टक्स लगा सकते हो अपने ब्लाउज में, अगर आपकी चेस्ट में और कमर में का अंतर आपको समझना पड़ेगा, कमर का और चेस्ट का आपको अंतर समझना पड़ेगा कि कितना है, उसी हिसाब से आपको टक्स लगाने हैं ब्लाउज में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कमर में और चेस्ट में 5 से 6 इंच का अंतर है, तो आपको थोड़े छोटे छोटे टक्स लगाने हैं, मतलब कि ये टक्स फिर से मैं बता दूँ एक बार रिपीट, तो ये टक्स आपको 1.5 इंच का लगाना है, ये पूरा टक्स आपको 1.5 इंच का लेना है, ये टक्स आपको 1 इंच का लेना है,
और ये टक्स आपको 1 इंच का मतलब आधा इंच का लेना है सॉरी, और ये टक्स आपको आधा से पौना इंच का लेना है अगर आपका 5 से 6 इंच का अंतर है तो केवल। अब देखिए अब आता है 8 से 10 इंच का अंतर है तो, अब देखिए इसको हमें 2 इंच का लेना है अगर आप हमारा 8 से 10 इंच का अंतर है तो, और इसको हमें 1.5 इंच का लेना है, इसको हमें 1 इंच का लेना है जो हमारा आर्मोल साइड का है, और ये वाला हमारा नेक साइड का है इसे हमें 1.5 इंच का लेना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।